वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 5 तारीख, सुबह के बजे हैं अभी 4:45, 4:45 हुए हैं और हम इस टाइम घर से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर को हैं, मतलब कि थानेदार बोलते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम अभी जा रहे हैं शिमला, 8 बजे हमने शिमला पहुँचना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेशन आएगा नारकंडा, उसके बाद मतियाना, फिर ठियोग, उसके बाद जो है फागू कुफरी होते हुए हम शिमला पहुंच जाते हैं। और हमारे घर से शिमला लगभग कितना होगा, 80 के करीब है, 80 के करीब है। और बाकी कोशिश है कि आज इनका ऑपरेशन हो जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। कितनी होनी लगभग ये? बहुत है तो यार। और इस टाइम हम 7:12 पे पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल के बाहर। और अभी तो ना लाइटिंग भी अच्छी दिख रही है, मतलब कि अभी इतना वो है कि अंधेरा अंधेरा सा है। और ठंड पता कितनी है, पूछो मत, लग रही है ठंड। आज तो हम पैक होके आए हैं और मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं आज। ये देखो है तो ठंड है, सीधे ही कैंटीन जाएंगे। मम्मी को तो अभी गाड़ी में रखा है हस्बैंड के साथ, हम चाय पियेंगे। अभी भी बंदी है और यहाँ ठंड है, गाड़ी में ही रहेंगे। रंगोली बनी है यहाँ पे भी। ये वाला रूम मिला है अभी हमें फिलहाल, अच्छा है। अभी सर्जरी से पहले अभी तैयारी होगी सर्जरी की, देखते हैं क्या होता है। रूम अच्छे हैं, मतलब कि सफाई भी अच्छी। और अच्छी बात ये है कि गर्म है अंदर, बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, है ना। चलो रेस्ट करो, नीचे लेट जाओ, नॉर्मल है, कोई डर नहीं है। अभी डर तो लग रहा है आपको, डरने की क्या बात होती है ना। कपड़े बदल दिए पर इनका बीपी हाई हो गया है। कितना इनका बीपी? 182 है ना, और 80 तो ठीक है। हार्ट बीट्स भी है थोड़ी बड़ी हुई है, इनको बोल दिया हुआ है कि थोड़ा बीपी कंट्रोल रखिए, अदरवाइज ऑपरेशन। वैसे डर तो नहीं रहे हैं, फिर क्यों आए, क्यों आए? मामा को जो है सर्जरी रूम लेके आया है, और डी पहले आई और फिर मैं आई, क्योंकि कुछ भी खाया नहीं है। 10:00 हो गई है तो सोचा कि चाय पी लेते हैं, परौंठा अच्छा है। दी पहले आके चले गई है, अब मेरी बारी है। 11 बजे से मम्मा की सर्जरी शुरू हुई और पूरे 2 बजे तक इनकी सर्जरी चले और हम यहाँ पर बैठे रहे। 11:15 ले गया है इनको अंदर, अब लगेगा पता। बोल तो रहेंगी 2 बजे तक सर्जरी चलेगी, लंबी सर्जरी चलेगी, प्लेट्स डलेगी, बाकी पता चलेगा फिर। अब हम तो बैठे हैं और यहाँ धूप भी हल्की हल्की सी आई है। खिड़की से बाहर को तो अच्छा दिख रहा है, पर सामने धूप है, इधर को धूप नहीं है अभी यहाँ पे। 2 बजे तक मम्मा की सर्जरी चली, उसके बाद यहाँ रिकवरी रूम में लाया गया इनको। व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, मतलब कि आप टेंजिन हॉस्पिटल में आते हैं, अगर पेशेंट को अकेले भी रखते हो ना तो वो सरवाइव कर जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस का कुछ ज़्यादा काम नहीं है। पेशेंट को खुद ही उधर उधर ले जाना वगैरह सब कुछ ये खुद से ही हैंडल कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे शांत रहने को बोला ना, तो आस्ते आस्ते बोल रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी, तभी वॉइस ओवर दी। सुबह से अभी निकल रहे हैं हम बाहर और अभी धूप के दर्शन हुए हैं। 3:45 होगा आज खाना, क्या लगता है? कुछ नहीं बोल सकते, भूख लगी है, डर लगी है पता। हस्बैंड को बिठाया है अभी वहाँ पे, बारी बारी से बैठ रहे हैं हम, वो खाना खा के गए, अब हमारी बारी है खाना खाने की। ये है हॉस्पिटल की कैंटीन, जो कि बहुत अच्छी है, खाना काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा। मेन तो ज़्यादा खाने से ज़्यादा साफ सफाई का होता है, सेल्फ सर्विस यहाँ पे की जाती है और खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। थोड़ा सा चटपटा खाना दी के लिए प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मेरी दी जो है चटपटा खाना नहीं खाते हैं। 5:30 हम दोनों चले हैं रिपन हॉस्पिटल और हम जा रहे हैं अभी मॉल पर, नोकिया सेंटर। नोकिया वालों का मेरे फ़ोन में ना पता नहीं चेक गया है कि क्या प्रॉब्लम है। सोचा कि मम्मी भी अभी सोए हुए हैं, दी उनके पास है, हम फटाफट
जाके आ जाते हैं। और याद है कॉलेज टाइम को दिखाओ। एक बार पता क्या हुआ था, जब मैं सेकंड ईयर में पढ़ती थी, 32 का आंसर था वो, 72 10 सेट की कैसा था वो पता नहीं, अच्छा था, कलर सेट था, मतलब कि जब मैं प्लस टू से पास हुई तो पापा ने मुझे दे दिया था। और वो यहाँ पे ना चोरी हो गया था, शिमला में चोरी हो जाती है कई बार, और यहाँ उसकी रिपोर्ट करवाई थी मैंने नोकिया केयर में यहाँ पे, और अभी देखो मिल गया है यहाँ पे सामने ही है BSNL वालों के साथ। और तब आई थी और आज फिर से इसको रिपेयर करवाने ले जा रही हूँ, फटाफट जाती हूँ क्योंकि दी को फ़ोन कर रही थी मैं कि मम्मी कैसे, मम्मी ठीक है अभी रेस्ट कर रही हैं, तभी आई। कल का पता नहीं होता है, फिर कल पता नहीं मिलते हैं कि कल फिर आ पाते हैं कि नहीं, अभी मॉल पर हैं हम। कई बार बैटरी की वजह से हैंग भी होता है कई बार, वो कुछ और कारण हो सकता है। कितना कुछ बदल गया है ना, वो नोकिया केयर वालों का भी चेंज हो चुका है, पर शॉप अभी भी है। हमने डाटा केबल ले लिए इसके लिए, जैक ठीक था मेरा है ना। चलिए फटाफट से हॉस्पिटल चलते हैं। कैसे हो? बढ़िया हो? है फर्स्ट क्लास। दर्द हुई थी? हो रही है, वैसे तो होगी अभी थोड़ी थोड़ी, तो चुप नहीं रह रहे हैं, पर इनको भी नॉन स्टॉप, और एक ना गुस्सा कर रही है हमारे को, दोनों को। तुम बोलो ना, मैं बोलने क्या करेगी तू मुंह में जिप। इनको बोलने के लिए मना की थी पर ये बोलते ही जा रहे बोलते जा रहे हैं, और पीछे से इस वाली ने हमारे को मना कर दिया है। वैसे तो मैं भी नहीं कर रही हूँ ना इनसे बात, पर जितनी भी नर्सें आ रही है सबके साथ फुल ऑन स्पीकिंग पावर, क्योंकि आदत नहीं है ना चुप रहने की, और आगे फिर मैंने ये संभाली है। ये बहुत कम बोलती है, इसको बोला भी था व्लॉगिंग में, ओए तेरे को कमेंट भी आए थे बोलने को कि बोल। क्या बोलूँ, क्या मैं बोलूँगा ना, अब यहाँ हॉस्पिटल में वहाँ पर कुछ नहीं बोल सकती। क्यों, यहाँ क्यों नहीं बोल सकती है? शाम के ना 7, कितने 7:30 हुए हैं, 7:30 हुए हैं, और इनको ऑपरेशन के बाद चाय पानी बिस्किट सूप वगैरह थोड़ा थोड़ा करके दे दिया है, और शाम के लिए खाना भी आ गया है, खाना भी खिला देंगे। मैंने पता नहीं क्यों ये लगा रहता है ना, तो ये लगा ही रहता है, फिर याद ही नहीं रहती उतारने की। और 8:30-9 बजे हम भी कैंटीन चले जाएँगे, खाना खाएँगे और फिर उसके बाद सो जाएंगे। अगर इनको दर्द नहीं हुई तो हम दोनों तभी यहाँ रुके हैं, ताकि बारी बारी से रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है ना, ये तो पिछले दिन के भी नहीं सोए हैं, तो रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। मीटर ठंडा है, शिमला तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये है हमारा डिनर, कैसा है? खाया ही नहीं अभी, कैसा बस। घर के खाने की याद आ रही है। हम क्या करते हैं, पहले हस्बैंड खा लेते हैं फिर मैं और दी आते हैं खाने। चलिए अब खा लेते हैं फटाफट। अल्लाह को पता मम्मी ना हमारी कंप्लेंट डाल रही है, बोल रहे हैं कि हम मेरे को पानी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, हमने ना इनको कम कम, इसने दिया थोड़ा थोड़ा करके, मैं बोल रही थी थोड़ा ज़्यादा पिला दे, क्योंकि डॉक्टर ने थोड़ा थोड़ा करके पानी बोला है, थोड़ा सा खाना खाए इन्होंने, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही खा रहे हैं, और फिर अभी नर्स आए बोलते थोड़ा थोड़ा पानी दे रहे हैं। कंप्लेंट हो रही है, है? क्यों, सो जाओ अब रेस्ट करो, आंखें बंद करो, बोल ही रहे हैं चुप ही नहीं रह रहे हैं, तो अब इनको चुप रहने देते हैं और खुद भी एक घड़ी रेस्ट करते हैं। मैं तो हीटर पे ही हूँ बैठी हुई, हीटर का ही सहारा है, ठंड है बहुत बाहर, जब खाना खाने गए थे ना बहुत ठंड हो गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स अब सुबह में ही मिलेंगे हम, और वीडियो 2 दिन की शायद इकट्ठी ही आएगी फिर ये। गुड मॉर्निंग, आज है 6 तारीख, सुबह के बजे अभी 8, थोड़ी देर पहले उठे, फ्रेश हुए और अभी रेस्ट कर रही हूँ। और मम्मी को आज ना रात के बाद हल्की हल्की दर्द हुई, क्योंकि दर्द तो होनी होती ही होगी, क्योंकि अभी आर्टिफिशियल प्लेट पड़ी हुई है इस टांग में, तो दर्द तो होगी, बहुत ज़्यादा दर्द हुई। और मैं तो वैसे सो गई थी, बीच बीच में उठ रही थी बीच बीच में, और नहाने धोने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, गीज़र वगैरह लगे हुए हैं, पर नहाई नहीं, ठंड है तो हॉस्पिटल में थोड़ा सा नहाना
अजीब सा लगता है, बस फ्रेश हो गए, ऐसे ही फेस वॉश वगैरह कर दिया है अच्छे से, नींद भी काफ़ी अच्छी आ गई थी। मम्मी पता क्या करते हैं, जैसे दर्द हो रहे ना बस एक दो बार ही बोला फिर उन्होंने सोने दिया, होती नहीं है। माँ का दिल कैसे होता है कि भाई बच्चे आराम से सो जाए। अभी इनको शुगर टेस्ट वगैरह हो गया है, चाय इनको पिला दी है, अभी हम साथ साथ में ये भी कर रही हूँ फोल्ड, अभी हम जाएंगे अब चाय पीने, हस्बैंड चले गए पहले, हम ऐसे ही करते हैं, वो पहले जाते हैं फिर बाद में हम चले जाते हैं, वो यहाँ आते हैं। तो चलिए अब चाय वगैरह पियेंगे। कैंटीन है यहाँ पर, अच्छी है, हॉस्पिटल में स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, कोऑपरेटिव है। बाकी दर्द तो होती ही होगी क्योंकि अभी आर्टिफिशियल प्लेट अंदर पड़ी हुई है, थोड़ी एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता होगा। चलिए फिर अब मिलूंगी थोड़ी देर बाद। अभी तक हम रिकवरी रूम में थे, अब हम एक्सरे करवाने के बाद वार्ड में जाएंगे, जैसे जनरल वार्ड होते हैं, स्पेशल वार्ड होते हैं, यहाँ से आगे अब वार्ड में जाएंगे, फिर वहाँ से रिकवरी देखेंगे इनकी, फिर जाके छुट्टी होगी। अभी एक्सरे हो रहा है मम्मा का। दिन के बजे हैं अभी 11 और पीछे ना मम्मी ही आ रहे हैं, इनका एक्सरे हो गया है, अब इनको शिफ्ट करेंगे। और हम पता क्या है, ठंड है यहाँ पे बहुत, पर अंदर तो अच्छा था ना, अभी ठंड लग रही है। पर देखो मम्मी के लिए बहुत सारे इंस्टा पे मैंने पोस्ट डाली थी ना, आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स थे। अब ये डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे हैं, ऑपरेशन वाले जोन से हम निकल गए हैं, अब मैं भी चलती हूँ। दूसरे दिन सुबह इनको जो है ऑपरेशन थिएटर के बाद रिकवरी रूम से यहाँ ले आया गया, यहाँ पे इनका एक्सरे होगा और वॉकर के सहारे चलने की हल्की सी ट्रेनिंग होगी। और अच्छी बात हॉस्पिटल की ये है, अगर आप अटेंडेंस को साथ नहीं भी ले आते हो, पेशेंट की जो है अच्छे से खूब केयर हो जाती है। हम तो यहाँ थे, हमें भी बोला जा रहा था कि आप यहाँ नहीं रहो और हम इनकी खुद से ही देखभाल कर लेंगे। और इधर से पता क्या होता है ना, हमारे जैसे शिमला में बहुत सारे रिलेटिव हैं, सब हमें फ़ोन कर रहे थे, मिलने भी आए कि आप हमारे रूम चलिए, हम कहीं नहीं गए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हॉस्पिटल का मामला है, फिर सिचुएशन ही ऐसी है, आपको पता है कोविड है, तो इस करके हम मम्मा के साथ ही रहे। और काफ़ी अच्छे से इनका जो है ऑपरेशन तो अभी हो गया, इसके बाद जब ये चले तो हल्की सी पेन भी हुई, टांग अभी नीचे लगाने के लिए मना कर दी गई है। तो चलिए कोई ना, धीरे धीरे करके रिकवरी भी हो जाएगी। और वीडियो की एडिटिंग मैंने हॉस्पिटल में नहीं की क्योंकि इतना टाइम नहीं लगा, और टाइम तो था लेकिन फिर इतना हो नहीं पाया। और बहुत से आपके भी अच्छे अच्छे कमेंट्स थे जो मुझसे जुड़े हैं, उनको भी मैं सच्ची दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। आप मेरी वीडियोस देखते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसके बाद एक्सरे के बाद ये जाएंगे अब वार्ड में, मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक